अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी से डील किया। हमने ये समझा कि हमारे सीआरपीसी में सेक्शन 156 में क्या प्रोविजन था जिसे हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 175 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट। तो बेसिकली सेक्शन 156 और सेक्शन 175 ऑफ बीएनएसएस, ये दोनों ही सेक्शन एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सीआरपीसी में जब हम सेक्शन 156 को पढ़ते थे तो अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 175 हो गया है, राइट। करेंटली वी आर डीलिंग विथ द प्रोविजंस रिलेटिंग विथ चैप्टर 13 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट। चैप्टर 13 क्या है बीएनएसएस का? इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, राइट। और इसमें जो सेक्शंस हैं वो शुरू होते हैं सेक्शन 173 टू सेक्शन 196। हम इन सभी सेक्शंस को नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उन्हीं सेक्शंस को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होते रहे, राइट। हमने सेक्शन 173 को कंप्लीट कर लिया और ये जो सेक्शन 173 है ये सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है। यानी जहां पहले हम बात करते थे इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस अंडर सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस। तो कॉम्पेरेटिव लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। फिर अपने दूसरे वीडियो में हमने बात किया सेक्शन 174 विथ सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विथ सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। और हमने ये भी समझा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या नया प्रोविजन ऐड किया गया है रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, राइट। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी को कवर किया जो कि अब हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा सेक्शन हो गया है, सेक्शन 175 हो गया है। तो हमने सीआरपीसी में जो ओल्ड प्रोविजन था उसे पढ़ लिया, आज इस वीडियो में हम क्या न्यू प्रोविजन है, क्या नया चेंज आया है, किन प्रोविजंस को ऐड किया गया है उसे समझेंगे। तो बेसिकली ये जो वीडियो है इट इज सेकेंड पार्ट ऑन कॉम्पेरेटिव लेक्चर ऑन सेक्शन 156 सीआरपीसी एंड सेक्शन 175 बीएनएसएस। तो सेक्शन 156 क्या कहता था सीआरपीसी का? ये बेसिकली कहता था पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, राइट। तो सीआरपीसी में हमने इस सेक्शन को कवर कर लिया है। अब इसी वीडियो में जो कि सेकेंड पार्ट है इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 175 ऑफ बीएनएसएस जो कि इसी को लेकर के है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, राइट।
चलिए, तो अगर आप वीडियो में नए हो तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, क्योंकि जब हम एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे अपने ओल्ड सीआरपीसी को भी और न्यू सीआरपीसी विच इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो हमें ये आइडिया रहेगा कि क्या कुछ बदलाव आया है, राइट right. और एक तरह से हमें ये भी पता होगा कि सीआरपीसी का ये जो सेक्शन था अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये सेक्शन हो गया है, राइट right. चलिए, तो सेक्शन 175 सब सेक्शन 1 ऑफ बी एंड एस एस, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, सेक्शन 175 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा में without the order of magistrate investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 14 of BNSS. So simple, section 175 subsection 1 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita mein ye kaha gaya hai कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसके पास ये पावर है कि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्ड में उसे कोई सूचना मिलती है तो वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना वारंट के। अच्छा, किस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना? तो कह रहा है उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है अंडर चैप्टर 14 ऑफ बी एंड एस एस, यानी चैप्टर 14 ऑफ बी एंड एस एस क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, राइट। और अगर हम इस चैप्टर के सेक्शन को देखें तो यह है सेक्शन 197 टू 209, यानी उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है, या आप यूं कह सकते हो कि जिस मजिस्ट्रेट के अंदर उस पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन आता है, या जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है अंडर चैप्टर 14 ऑफ BNSS कि वो उस ऑफेंस के रिगार्ड में इंक्वायरी या ट्रायल शुरू कर सकता है। तो सिंपल, यहां हमें यह समझना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसे ही सूचना ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को मिलेगी वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा और उसके लिए किसी मजिस्ट्रेट का उसे ऑर्डर या वारंट नहीं लेना होता है। अब एक प्रोविजो जो ऐड किया गया है जो सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 156 नहीं था लेकिन जिसे अब BNSS के सेक्शन 175 में ऐड किया गया है, वो लाइन मैं पढ़ देता हूं। प्रोवाइडेड दैट कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस द एसपी मे रिक्वायर डीएसपी टू इन्वेस्टिगेट द केस। अब जैसे ही किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने के बारे में सूचना मिलती है तो एसपी साहब जो है वो उस ऑफेंस के नेचर और उसके सीरियसनेस को देखते हुए डीएसपी को कह सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए।
अब ये कैसे होगा? सपोज आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस स्टेशन पर जाकर के कंप्लेंट किया, लेकिन वहां से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं रहा, पुलिस स्टेशन के द्वारा आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। तो हमने ये समझा था कि अंडर सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस जो कि बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में, यानी बेसिकली आप इसे कहते हो एफआईआर के प्रोविजंस, राइट। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो अग्रीव्ड पर्सन है अगर थाने से उसका एफआईआर दर्ज नहीं हो पाता है या पुलिस नहीं करती है तो वो एसपी साहब को एक लेटर लिख सकता है, ठीक है, और जो एसपी साहब हैं वो उन्हें अगर ऐसा लगता है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और संज्ञान लेना चाहिए तो वो खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं या अपने किसी सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। फिर उसके पास वो सभी पावर्स आ जाएंगी जिन्हें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक्सरसाइज करता है व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी कॉग्निजेबल केस। तो यहां भी वो है कि आपने एसपी साहब को लेटर लिखा तो एसपी साहब क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि जो सीरियसनेस है ऑफेंस का इट इज टू हाई और उसके ग्रेविटी उसके नेचर को देखते हुए एसपी साहब डीएसपी को कह सकते हैं कि आप क्या करिए इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू कर दीजिए, राइट। तो दिस इज द न्यू प्रोविजन एडेड इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच वॉज नॉट गिवन इन सीआरपीसी, राइट। अब सेक्शन 175 सबसेक्शन 2 जिसे हमने कल पढ़ा था अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 2 सेम बात कहता है कि नो प्रोसीडिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वॉज वन विच सच ऑफिसर वॉज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। तो किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है तो उस इन्वेस्टिगेशन के किसी भी स्टेज पर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं था इस सेक्शन के तहत कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। तो यानी वंस द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन स्टार्टेड रिगार्डिंग कॉग्निजेबल केस उस इन्वेस्टिगेशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 क्या कहता है। अब यहां पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। तो यानी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 जिसे हमने कल सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में पढ़ा। अब इसमें कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, राइट, जो कि 156(3) में नहीं था। क्या है वो? कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस के तहत कि वो ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले में आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट मेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173, राइट। देखिए तो इसमें कह रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है कि वो सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस के तहत कॉग्निजेंस ले सकता है यानी मामलों का संज्ञान ले सकता है, राइट, मे आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन। अब उसके पास आपने एप्लीकेशन दिया है यानी जो अग्रीव्ड पार्टी है जो कंप्लेनेंट है उसने पिटिशन फाइल किया है किसके तहत? तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस के तहत। लास्ट में हमने पढ़ा था कि अगर जो अग्रीव पार्टी है पुलिस स्टेशन से उसका कोई काम नहीं हुआ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ
एसपी साहब को उसने लेटर भेजा, वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो अब वो सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकता है बिफोर द मजिस्ट्रेट, जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है संज्ञान लेने का अंडर सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस, राइट। अच्छा, पहले जब हम सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में एफआईआर के प्रोविजंस को पढ़ते थे तो वहां ये बात नहीं लिखा गया था। तो होता क्या था, होता ये था कि हम अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी कंप्लेंट फाइल करते थे बिफोर मजिस्ट्रेट, कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट। लेकिन क्योंकि अब एफआईआर में ही ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया है, यानी सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 में ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया है कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो बिफोर मजिस्ट्रेट, तो अब जो हम कंप्लेंट फाइल करेंगे बिफोर मजिस्ट्रेट इस बात के लिए कि हमारा एफआईआर दर्ज हो जाए और आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दोगे। तो अब हम सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 में कंप्लेंट फाइल करेंगे बिफोर मजिस्ट्रेट अलोंग विद एफिडेविट, यानी शपथ पत्र के साथ। किस मजिस्ट्रेट के सामने? उस मजिस्ट्रेट के सामने जिसके पास पावर है कॉग्निजेंस लेने का। एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स फिट एंड नेसेसरी एंड सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय पुलिस ऑफिसर ऑर्डर सच एंड इन्वेस्टिगेशन। अब होता क्या है प्रैक्टिकल, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है यहाँ पे उसे मैं समझाना चाहूंगा। अब यहाँ होता यह है कि अगर आपने सपोज करिए अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 कंप्लेंट फाइल कर दिया बिफोर मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट सिंपली क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, सबसे पहले उस संबंधित पुलिस स्टेशन को ऑर्डर करते हैं कि आप इस मामले में रिपोर्ट लगा करके भेजिए कि क्या आपने कोई कार्यवाही की है, क्या एक कंप्लेंट आपके थाने पर गया था, तहरीर दी थी, तो उसके बारे में पुलिस स्टेशन के द्वारा एक रिपोर्ट लगाया जाता है कि हाँ इसके द्वारा कंप्लेंट फाइल किया गया था या इसके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था टू रजिस्टर एफआईआर या जो भी वो रिपोर्ट लगाए, और फिर उसके बेसिस पर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर देते हैं अगर उन्हें ठीक लगता है तो। तो यानी जो कंप्लेंट फाइल हुआ करता था सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, अब वो कंप्लेंट कहां फाइल होगा, तो ये फाइल होगा अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है, सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में क्या है, इसमें ये है कि मजिस्ट्रेट मामले का कॉग्निजेंस लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कराने का ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। लास्ट जो प्रोविजन है यानी सेक्शन 175 सबसेक्शन 4, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210, ये भी एक नया प्रोविजन है हमारे बीएनएसएस में, आइए इसे भी हम पढ़ लेते हैं कि वो मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है अंडर सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस मामले का संज्ञान लेने का, में अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, अगर वो मजिस्ट्रेट किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट रिसीव करता है अराइजिंग इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, किसके रिगार्ड में, उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को करते हुए कुछ गलत किया गया है, तो उसके रिगार्ड में कोई कंप्लेंट अगर मजिस्ट्रेट के पास आया है तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं सब्जेक्ट टू, इसमें कहा गया है रिसीविंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू हिम, यानी वो पब्लिक सर्वेंट जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल किया गया है उसके अगेंस्ट में मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है मामले का संज्ञान लेने का अंडर सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस, वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। किस बेसिस पर? तो वो जो पब्लिक सर्वेंट है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया गया है उसके सुपीरियर ऑफिसर से
लिखित में जवाब आने पर अबाउट दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट क्या हुआ था। दूसरा, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ assertions मेड बाई पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक सर्वेंट का क्या कहना है उस इंसिडेंट के बारे में, उसे कंसिडर करने के बाद और उसके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा उस इंसिडेंट के बारे में क्या कहा गया है उसे कंसिडर करने के बाद मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो नया प्रोविजन था, देखिए सेक्शन 156 में केवल तीन सबसेक्शन थे, 156 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ प्रोविजंस ऐड कर दिए गए हैं, जैसे पब्लिक सर्वेंट वाला हमने देखा। ठीक है, सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 को हमने देखा, और फिर जो हमने देखा कि एसपी डीएसपी को कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। तो ये था कंप्लीट और डिटेल लेक्चर ऑन सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी एज वेल एज ऑन सेक्शन 175 ऑफ बीएनएसएस। जब आप मेरे दोनों वीडियोस को देखोगे और बेरेट खोलोगे तो आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आएंगी और आपको समझ में आएगा कि क्या नया प्रोविजन ऐड किया गया है। पर इतना डिटेल में शायद ही आपको कोई पढ़ाए पूरे यूट्यूब पर। तो अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, आपको लग रहा है कि वाकई में कुछ अलग मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में आपका कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट करें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, राइट? तो प्लीज सपोर्ट दिखाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Together we learn, together we grow.